हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूडन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं एमपी, यहाँ पर पूरा कंप्लीट एमपी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो अभी अपन टॉपिक आपको बताए थे कि कितने टॉपिक हैं, तो जो 29 टॉपिक हैं वो अपन ने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। लेकिन सबसे पहले अपन जो चैप्टर जहाँ से पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है और हमेशा यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो टॉपिक अपन सबसे पहले कवर करते हैं। चाहे मध्य प्रदेश की नदियाँ हो, चाहे मध्य प्रदेश का गठन हो, चाहे मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क हो, चाहे मध्य प्रदेश में लगने वाले मेले हो, इस तरीके के कम से कम 8 से 10 टॉपिक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसा कि अपन ने सामान्य पर्चे देखा था, सामान्य पर्चे का मतलब क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एमपी में क्या है, कितने क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो ये सामान्य पर्चे, जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए एमपी के बारे में, तो वो पूरा बता दिया है। वहाँ से आपका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ कि अब हमें पढ़ना क्या है, आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं फुल डिटेल में। तो अब देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले अपन ने उठाया है मध्य प्रदेश की नदियाँ, यानी कि मध्य प्रदेश को क्यों मध्य प्रदेश को यानी कि मायका बोला जाता है। तो मेन रीज़न ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये क्वेश्चन भी है, देखो यहाँ पर पूछा भी जाता है कि मध्य प्रदेश को क्यों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर नदियाँ बहती हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ अगर ओरिजिन होता है या निकलती हैं, तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस कारण से ही तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। मायका मतलब उस नदी का ओरिजिन उस क्षेत्र से ही हुआ हो, उस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो, इस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब आपने एक वन लाइनर फैक्ट में देखा था तब आपको समझ में नहीं आया था, लेकिन अब आपको सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी। क्यों इस ये क्यों मन में जो उठता है ना, क्यों का आंसर आपको अब हम हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो आपके मन में कुछ और डाउट भी हो तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट करके। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कैसी हैं। तो मध्य प्रदेश में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो पेनिशुलर नदियाँ हैं, मतलब पेनिशुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। क्यों प्रायद्वीपीय बोला गया? नदियाँ एक्चुअल में दो तरीके से डिवाइड की जाती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं नदियों के। एक हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, एक हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय मतलब भूमि का वह क्षेत्र जो तीनों ओर तो पानी से घिरा हो, तीनों ओर पानी से घिरा हो और एक क्षेत्र, एक भाग जो होता है वो भूमि से घिरा हो, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय भारत आपको पता है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पूरा डिटेल में जब अपन क्या करेंगे, पूरा एमपी, जब पूरा इंडियन ज्योग्राफी उठाएंगे, बहुत जल्द इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें आप सबसे पहले समझ लीजिए कि अभी इतना कि पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, हिमालय नदियाँ मतलब इन नदियों का ओरिजिन ग्लेशियर यानी कि हिमनद से होता है, उन्हें बोलते हैं हिमालयन क्षेत्र की नदियाँ। क्यों? ऐसे आपने देखा सिंधु नदी, इंडस रिवर हो गया, गंगा हो गया, और अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र हो गया, ये नदियाँ जो हैं मेन जो नदियाँ हैं इनका ओरिजिन किसी ना किसी ग्लेशियर से ही होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि वो नदियाँ जिनका ओरिजिन यानी कि वर्षा, जैसे पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद वो कोई क्षेत्र जो है भर जाता है, उसके बाद इन नदियों का ओरिजिन होता है, तो इनको बोला गया प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर बात करते हैं, सबसे मेन रीजन क्या है कि मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये 4 चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसमें क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी की अगर बात करते हैं, ये इंडिया का मैप है, यहाँ अपना एमपी है, ये आपको मालूम ही है एमपी है। मैप आपके पास होना चाहिए, इंडियन मैप, इंडिया का मैप होना चाहिए, वर्ल्ड मैप होना चाहिए, और एमपी के हो तो एमपी का मैप होना चाहिए, तभी आप जो चीज़ आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है आप तुरंत रिसेंट, आप बिल्कुल हल्के हल वहाँ पर मैप में खोजो उस चीज़ को, तभी आपके माइंड में वो चीज़ बैठती है। इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर बताती जा रही हूँ तो उस अकॉर्डिंग टू उस लोकेशन के तहत आप देखना है कि क्या कहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो ये इस तरीके से विंध्य पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इस तरीके से ये पर्वत श्रेणी आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है। कहाँ पर? एक तो कैमूर हो जाता है, एक भाग इसका भांडा सीरीज में टूटता है, दूसरा भाग इसका कैमूर में टूटता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैमूर और भांडा पर्वत श्रेणी किसका भाग है, तो ये विंध्य पर्वत का है। विंध्य पर्वत जो है भारत में सबसे बड़ा जल विभाजन का काम करता है। विंध्य पर्वत क्या है भारत में? ये जल डिवाइड का काम करता है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा पर्वत है जो जल विभाजन का काम करता है, तो विंध्य पर्वत है जो भारत, उत्तर भारत और नॉर्थ भारत को भी अलग करता है। नदी की बात पूछा जाएगा तो नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। वहीं पर्वत की बात करते हैं तो विंध्य पर्वत
दो भागों में बांटता है। ये हो गया आपका। वहीं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो दिशाएं हैं, दिशाओं के आधार पर अगर बात करते हैं, दिशाओं के आधार पर नदियों का जो बोल सकते हैं, नदियों का जो होता है ना, उत्तर की ओर बहने वाली नदी दक्षिण, यानी कि ये नॉर्थ होती है। आपको डायरेक्शन बता दें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, तो यही है कि जब उत्तर की ओर बहने वाली नदी, उत्तर की ओर बहने वाली नदी चंबल नदी, कैन, बेतवा, काली, सिंध और पार्वती, ये आपको याद रखना है, ये उत्तर की ओर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है, कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चंबल यानी कि ये मऊ से, यानी कि अगर बात करते हैं चंबल नदी का ओरिजिन, जब अभी नदियाँ आ रही हैं तो उनका ओरिजिन भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी सिंपल इतना ही। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, तो दक्षिण मतलब इधर नीचे की ओर आने वाली नदी कौन सी है, बैनगंगा, वर्धा और पैंच। ठीक है, ये तीन नदियां हैं जो नीचे की ओर बहती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर यानी कि ये पूर्व दिशा है, इस साइड बहने वाली नदी सोन है। ये सोन नदी क्या करती है, इधर से बहती है और ये कहाँ पर मिल जाती है, गंगा मिल जाती है। बैनगंगा और वर्धा और पैंच की अगर बात करते हैं तो ये गोदावरी में मिल जाती है। भाई इनकी, इन सब की बात करते हैं तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यानी कि इधर की ओर, डायरेक्शन जस्ट उल्टा इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें सिर्फ तीन नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, एक गुजरात में स्थित है, कौन सी नदी, साबरमती नदी। तो चार नदियां हैं भारत में जो पश्चिम की ओर बहती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में, अगर अपवाह तंत्र की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश में अगर क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में पांच नदी अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र का मतलब वो नदियां जिनका ओरिजिन एमपी में हो रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी नदी की सहायक नदी उसमें जाके मिल जाती, उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं याद क्या रखना है आपको, यानी कि नर्मदा गंगा नदी अपवाह तंत्र सम्मिलित नदियों का जो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं ये सारी। इसमें अगर बात करते हैं ये अपवाह तंत्र, मतलब इसको तीन उप अपवाह तंत्रों में भी डिवाइड किया गया है। जैसे यमुना यानी कि गंगा नदी की सहायक कौन सी, यमुना भी है, टोंस भी है, सोन भी है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है वो बता देते हैं। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा हो जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं तो ये किस किस की सहायक नदियाँ हैं, जैसे आपको बताया यमुना अपवाह तंत्र की, यमुना उप अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो चंबल, कैन, बेतवा, धसान, सिंध और पार्वती, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी हैं यमुना नदी की सहायक नदी। ठीक है, यमुना की बात हो रही है। ठीक है, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा रखता है, ये रखता है गंगा। नर्मदा दूसरे नंबर का अपवाह तंत्र है। दूसरा अपवाह तंत्र अगर देखें तो दूसरे नंबर पर अपवाह तंत्र कौन सा हो गया, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र हो गया दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। यही कन्फ्यूजन करता है कि बड़ा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो सबसे पहले गंगा अपवाह तंत्र एमपी में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं एमपी में दूसरा सबसे बड़ा, तो ये नर्मदा हो जाएगा, यही है। ठीक है, नर्मदा नदी किस में मिलती है, अरब सागर में मिलती है या बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसके बाद अगर बात करते हैं आपसे, नर्मदा नदी पाँचवें एमपी में अगर बात कर इंडिया में बात करते हैं तो पाँचवें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ये कई जब सामान पर्चे देख रहे थे तब पूरी डिटेल दी थी कि नर्मदा नदी कितनी लंबाई रखती है, क्या रखती है, कहाँ से निकलती है। अब फिर से रिवीजन करेंगे तो फिर से हो जाएगा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, नदी है पेनिनसुलर जो इंडिया है ना, इस वाले एरिया में सबसे बड़ी गोदावरी आती है, फिर उसके बाद कावेरी आती है, इस तरीके से। तो तीसरे नंबर की है नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होने का दर्जा प्राप्त है, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये आ गया ना, जो आपको बताया था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजक, यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी नदी विभाजित करती है, डिवाइड करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कौन सी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, साथ ही उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में विभाजक का काम करती है, ये याद रखना है। ठीक है, ये इसमें हो गया आपका ये। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो ये नदी किसके समांतर बहती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि अगर एमपी का मैप हम आपको बताएं इस तरीके से, एमपी का मैप ये नहीं, इस तरीके से मतलब देखते हैं अभी एमपी का मैप, तो ये एमपी का अगर मैप बना देते हैं आपको इस तरीके से, इस तरीके से ये एमपी का मैप है, थोड़ा सही नहीं है अभी, आप बस इतना ही फोकस रखना है, आपके पास सामने मैप है तो आप उसमें देखना। ये आपको पता है
ये आपको पता है, ये आपको पता है और ये आपको पता है। ये आपका है बिंद पर्वत श्रेणी, ये आपका पता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये निकल रही है आपकी नर्मदा, एन मतलब नर्मदा। तो नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है, अब फिर से बता देते हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी बिंद पर्वत श्रृंखला यानी कि बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बिल्कुल पैरेलल यानी कि समांतर बहती है, ये याद रखना है। वहीं नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो ये ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती और उनकी सहायक नदियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो मेन जो नदी है वो कौन सी है, ताप्ती। तो ताप्ती नदी यानी कि टी मतलब ताप्ती नर्मदा नदी के समांतर बहती है, यही आपसे पूछा जाएगा पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यही है इम्पोर्टेंट जो हम बता रहे हैं, यही लर्निंग है कि आप आज क्या सीख रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें देख लेना नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती उसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नर्मदा के दक्षिण की ओर समांतर रूप से बहती हुई अरब इनकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ये हो गया। अब कौन सा अपाय तंत्र आ गया आपका, अब आ गया आपका ये सब लंबाई वगैरह नहीं देखना, क्योंकि लंबाई आप जब मेंस लिख रहे होते तब होता है, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, जेल प्रहरी के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि एमपी लेवल पर जो पुलिस के पेपर होते हैं उनके लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप जस्ट क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक। इस अभ्य तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों में कौन कौन सी, ताप्ती पूर्णा ये याद रख लेना, कनार और कनेर ये किसकी है, ये ताप्ती की सहायक नदियाँ हो जाएंगी, इसके अंतर्गत आती है। अब गोदावरी अभ्य तंत्र, गोदावरी के अंतर्गत दो नदियाँ याद रखना है, गोदावरी अभ्य तंत्र यानी कि दक्षिण भारत में है, गोदावरी अभ्य तंत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती, गोदावरी नदी नहीं बहती लेकिन उसकी सहायक नदी, लेकिन ये लिखा है गोदावरी अभ्य तंत्र से मिलने वाली सहायक नदियाँ बैन गंगा वर्धा यहाँ पर बहती है, कौन कौन सी आपको नहीं दिख रहा हो तो लिख के बता देते हैं कौन कौन सी। गोदावरी नदी एमपी में नहीं है लेकिन उसकी जो दो सहायक नदियाँ हैं ना वो निकलती एमपी में है लेकिन मिलती किस में है, गोदावरी में, इस कारण से गोदावरी अभ्य तंत्र बोला गया। तो बैन गंगा और वर्धा ये याद रखना है, बैन गंगा और वर्धा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा अभ्य तंत्र कौन सा है, तो माही अभ्य तंत्र कौन सा है, माही अभ्य तंत्र कौन सा आपको याद रखना है, माही अभ्य तंत्र देश यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्य तंत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सबसे बड़ा दूसरे नंबर का और सबसे छोटा, ये याद रखना है, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी इसमें कौन सी है, सबसे इसी की सबसे प्रमुख नदी कौन है, उसी के नाम पर माही है, ठीक है, ये हो गया। ये अब इसमें आगे देखते हैं, ये हो गया इतना मध्य प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत की उन तीन नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है, जो क्या करती है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। इतना हो गया, आप कल अपन क्या देखने वाले हैं हम आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ यानी कि जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है, किधर से होता है, ये आप देखने वाले हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। आज आपने क्या देखा, सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, सबसे पहले मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं ये आपने देखा, मध्य प्रदेश में कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलती हैं, मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण यानी कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ये आपको कल देखना है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।